आज मैं जाने वाला हूँ मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है जिसका नाम है धोबेला, जहाँ पे बना हुआ है महाराजा छत्रसाल का म्यूज़ियम और वहीं पे है मस्तानी बाई का महल जहाँ पे मस्तानी बाई रहा करती थी, बुंदेलखंड वाला महल। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं मस्तानी महल में। इस महल को राजा छत्रसाल ने 1696 में मस्तानी के लिए बनवाया था, तो इसी में मस्तानी रहा करती थी। और जो बाजीराव पेशवा थे, जब उन्होंने मोहम्मद खां बंगस को जब हरा दिया था तो इसी कमरे में उनको ठहराया गया था। और बताते ऐसे हैं कि मस्तानी की जो शादी है वो इसी कमरे के अंदर यहीं पे हुई थी। मस्तानी के महल के पास तो हम लोग पहुंच चुके थे, लेकिन एक सबसे बड़ा लोचा हो गया, यानी हमारा जो माइक था उसमें जो कनेक्टर होता है वो हमारा सही से फिट नहीं हो पाया, और उसके बाद जो हमारी आवाज़ है बहुत कम आप लोगों को सुनने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक रूम बना हुआ है जो उसी टाइम का बना हुआ है, और इसकी जो छत है, छत के ऊपर ये जो आप लोग देख रहे हैं ये लकड़ी के बने हुए हैं। यहाँ से जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक खुला हुआ चौक मिलेगा जो काफ़ी बड़ा चौक है। तो इसी के अंदर उस समय में जो पेशवा बाजीराव थे उनको ठहराया गया था, और जो छत्रसाल जी थे उन्होंने बाजीराव पेशवा को, जब उन्होंने मोहम्मद खां बंगस को जब हरा दिया था तो छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को अपना तीसरा बेटा स्वीकार कर लिया था, यानी तीसरे बेटे के रूप में उसको मानने लगे थे। यह है मस्तानी महल जिसमें मस्तानी रहा करती थी। बचपन जो मस्तानी का था वो इन्हीं महल में बीता था। यहाँ पे राजा छत्रसाल ने यहाँ पे कई महलों का निर्माण करवाया था, उसमें ये मस्तानी महल भी था। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने बादल महल को बनवाया था, जो हम अपने पहले वाली वीडियो में आप लोगों को दिखा चुके हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, और नीचे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं जिसमें मैंने ये पूरा कवर किया इस क्षेत्र को। यहाँ पे ये जो आप लोग आंगन देख रहे हैं, इस आंगन का जो प्रयोग है वो संगीत के लिए भी किया जाता था, क्योंकि जो मस्तानी थी वो संगीत की बहुत बड़ी शौकीन थी। मस्तानी की जो माँ थी रूहानी बेगम, यानी ये एक मुस्लिम रानी थी, और महाराजा छत्रसाल की ये दूसरी पत्नी थी। मस्तानी बाई को भी नृत्य का बहुत बड़े मतलब शौक था, वो भी एक नृत्यांगना थी। बताते हैं कि यहाँ पे ये जो आंगन बना हुआ है ये एक संगीत के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, ये संगीत के लिए इस आंगन को इस्तेमाल किया जाता था। काफ़ी बड़ा यहाँ पे ये आंगन बना हुआ है, और आंगन के दोनों साइड में ही यहाँ पे रहने के लिए कमरे बने हुए हैं। जिस साइड में खड़ा हूँ उस साइड एक कमरा है, और दूसरी साइड भी आप लोगों को सेम ऐसे ही एक कमरा देखने को मिलेगा जिसमें ये लोग रहा करते थे, रहने के लिए यहाँ पे कक्ष बने थे, जिसको जब बाजीराव पेशवा यहाँ पे आए थे तो उनको इसी को दिया गया था रहने के लिए। उनको जो कक्ष दिए गए थे, जो महल दिया गया था, इसी महल को उनको दिया गया था, जो मस्तानी का महल था इसी में जो पेशवा थे बाजीराव पेशवा वो इसी महल के अंदर ठहरे थे। और बताते हैं यहीं बाजीराव पेशवा और मस्तानी की जो प्रेम कहानी है वो यहीं से शुरू हुई थी, इस महल से ही। और बाद में छत्रसाल जी ने अपनी जो बेटी थी मस्तानी, उनका हाथ जो था वो बाजीराव पेशवा को दे दिया था। बताते ऐसे हैं कि बाजीराव पेशवा की यहाँ पे शादी हुई थी, लेकिन फिल्म में कुछ और तरीके से ही दिखाया गया है कि कटार से उनकी शादी हुई थी। जो बाजीराव पेशवा हैं उन्होंने मस्तानी को अपनी कटार दे दी थी, कटार भेंट कर दी थी। और यानी जो छत्री होते हैं, छत्रियों में ये मानना होता है कि जिसको भी कटार दे दी जाती है उससे उसकी शादी हो जाती है। यहाँ पे ये जो कच्छ बने हुए हैं, कच्छ में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार के ये आलों को बनाया गया है, जो उस समय में दीपक रखने के काम में आते थे, और भी जो जरूरत की चीजें होती थी उनको इन्हीं में रखा जाता था। यहाँ पे ये इसके तीन गेट बने हुए हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बाहर की रोशनी के लिए यहाँ पे बनाया गया होगा, और यहाँ से आप बाहर की तरफ भी देख सकते हैं, इस साइड में भी बनाए गए हैं। अभी हम चल रहे हैं इसके दूसरे वाले कक्ष में, और इसको आपको अंदर से दिखाते हैं। हालांकि हमें चमगादड़ों से डर लगता है, क्योंकि हम जहां कहीं पे भी जाते हैं वहां पे चमगादड़ अक्सर करके हमको मिल ही जाते हैं। तो ये है इसका दूसरा कक्ष, जिसका अंदर से इस तरह का नज़ारा है, और आगे एक और छोटा सा कमरा बना हुआ है। इस कमरे को भी आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसकी छत पर ये जो देख रहे हैं ये लकड़ी के बने हुए हैं, ये देखो ये जो बनी हुई है ये इसको बोलते हैं बुंदेला शैली। ये आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पे देखने को मिलेगी, जो ये बने हुए हैं इनको बुंदेला शैली में इसको बनाया गया है, और आपको कहीं पे भी इस तरह की डिजाइन देखने को नहीं मिलेगी जिसमें ऐसे करके ये गेटों पे भी बनाए जाते थे और आरों में भी बनाए जाते थे। गेट पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये एक बना हुआ है, तो ये बुंदेला शैली होती थी और अभी भी जो बुंदेलखंड में ही देखने को मिलती है। मस्तानी महल का नीचे का हिस्सा देखने के बाद, यानी नीचे का तल देखने के बाद, अभी हम चलने वाले हैं इसके ऊपरी तल पे, यानी इसकी दूसरी मंजिल पे, और वहां से आप लोगों को इसकी दूसरी मंजिल भी दिखाते हैं। यहाँ पे भी कुछ कमरों को बनाया गया है, उस साइड में अगर आप देखेंगे तो आगे से जाने का रास्ता
आगे से सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर भी जा सकते हैं। इस उर्ज को आप लोग देख सकते हैं, ये बुंदेला शैली में, यहाँ पे राजपूत शैली में इसको बनाया गया है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इतिहास के बारे में। महाराजा छत्रसाल जो थे, इनको इतिहास में बहुत ही पराक्रमी योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाराजा छत्रसाल ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े थे और 52 के 52 ये युद्ध जीते थे। लेकिन अब हम बात करते हैं 1728 की, जब मोहम्मद खां बंगस ने यहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था। तो उस समय जो राजा थे उनकी उम्र थी 80 साल के लगभग की। तो उन्होंने बाजीराव पेशवा से मदद मांगी और बाजीराव पेशवा अपनी 20,000 सेना के साथ में यहाँ पे आए। उन्होंने मोहम्मद खां बंगस को हराया और उससे ये कसम ली कि वो दोबारा यहाँ पे कभी नहीं आएगा, बुंदेलखंड में वो दोबारा कभी पैर नहीं रखेगा। इसके साथ उसको जीवन दान दे दिया और उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद से लेके और जयपुर तक का जो हिस्सा है उसको अपने अधीन ले लिया। बाद में बताते हैं राजा छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी की शादी बाजीराव पेशवा प्रथम थे उनसे कर दी और भेंट स्वरूप में उनको बहुत सारा धन दिया और बहुत सारी जागीर उनको दे दी। बताते हैं महोबा क्षेत्र की जागीर जो थी वो बाजीराव पेशवा को उन्होंने दे दी थी। राजा छत्रसाल जो थे वो बाजीराव पेशवा को अपना तीसरा बेटा मानते थे। दूसरी मंजिल पे भी आप लोगों को कुछ कच्छ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी एक कमरा बना हुआ है जो हो सकता है उस समय में जो मस्तानी की दासियाँ थीं उनके लिए इसको बनवाया गया हो। ये भी काफ़ी बड़ा कमरा है और ऊपर की छत को वैसे ही बनाया गया है। आगे की तरफ जब हम जाएंगे तो सामने ही एक कमरा और बना हुआ है। नीचे का आंगन आप लोगों को मैंने दिखाया था, काफ़ी बड़ा आंगन है। और इसके सामने ही यहाँ पे एक और कमरा बना हुआ है जो सेम जैसे पीछे वाला कमरा था उसी प्रकार का ये भी कमरा यहाँ पे बना हुआ है। और इससे आगे की तरफ जब आप जाएंगे तो एक आप लोगों को यहाँ पे बरामदा देखने को मिलेगा जो काफ़ी बड़ा बना हुआ है, लेकिन अभी इसकी छत नहीं है। और हो सकता है उस टाइम पे इसकी छत को डाला गया हो लेकिन अभी इसकी छत निकल चुकी हो। जैसे कि ये जो महल है ये अभी जर्जर हो चुका है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट के लिए मेरे पीछे ये जो लकड़ी दिख रही है ये यहाँ पे इस दीवार की सपोर्ट के लिए इसको लगाया गया है। दोस्तों बाजीराव पेशवा ने अपने जीवन काल में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी थी तो सारी की सारी लड़ाइयों को, सारे सारे युद्ध को वो जीते थे और मात्र 40 साल की उम्र में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु होने के बाद जो मस्तानी थी उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी और फिर जहर पी लिया था। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो आज भी अमर है और उस अमर प्रेम कहानी का जो साक्षी है वो यहाँ पे ये मस्तानी महल है। ये वो महल है जहाँ पे बाजीराव पेशवा और मस्तानी की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। मस्तानी जब यहाँ से उनकी शादी होके जब बाजीराव के साथ में जब पुणे गई थी तो उनके जो परिवार वाले थे बाजीराव के उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया था। बाद में बाजीराव ने उनके लिए एक अलग महल बनवाया था मस्तानी के लिए जो आज भी बताते हैं पुणे में बना हुआ है और वहाँ पे एक शनिवार वाड़ा है जो बहुत ही भव्य है। आगे कभी आप लोगों को वो भी दिखाएंगे किसी वीडियो में। पहुंचे हैं महाराजा छत्रसाल के बड़े बेटे हृदय शाह महल में और ये यहाँ पे एक महल बना हुआ है मस्तानी महल के जस्ट सामने ही है। उस साइड में मस्तानी महल बना हुआ है और यहाँ पे ये बना हुआ है हृदय शाह का महल। यहाँ पे भी महाराजा छत्रसाल के बेटों को लेके भी मतभेद है। जैसे कि ज्यादातर जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को अपना तीसरा बेटा माना था, इस तरह से उनके दो बेटे हुए, जबकि कहीं कहीं उनके पांच बेटे बताए जाते हैं। जैसे कि महाराजा छत्रसाल के पांच बेटे जो बताए जाते हैं जिनमें शमशेर बहादुर, हृदय शाह, अली बहादुर, जगत राय एवं भारती चंद्र शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो महल बना हुआ है ये महाराजा छत्रसाल के बड़े बेटे हृदय शाह का महल है और ये भी काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। यहाँ पर इसका मेन गेट था जिसमें अभी ताला लगा हुआ है और नीचे यहाँ पे मेन रास्ता है, सामने ही है मस्तानी महल जिससे अभी हम बाहर निकल के आए हैं। और अभी हम चलते हैं इसके ऊपर और आप लोगों को ये महल दिखाते हैं। ये भी काफ़ी खूबसूरत महल बना हुआ है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता है, हालांकि इसके नीचे के हिस्से में अभी ताला लगा हुआ है। तो ऊपर चलते हैं और ऊपर से इस महल को आप लोगों को दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम महल अभी बचे हुए हैं। ज़्यादातर जो महल हैं वो टूट चुके हैं, कुछ कुछ महल अभी यहाँ पे अच्छे बने हुए हैं जैसे कि मस्तानी महल हो गया, ये हृदय शाह का महल हो गया और भी एक यहाँ पे बारादरी है जो मैंने पिछले वाले वीडियो में कवर की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा तो वहाँ से जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों महाराजा छत्रसाल का 20 दिसंबर 1731 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपने जीवन काल में उन्होंने भारत में असाधारण परिवर्तन देखे थे।
उन्होंने मुगलों को शाहजहाँ के अधीन अपनी ऊंचाई पर और मोहम्मद शाह रंगीला के साथ अपने पतन को देखा। उन्होंने बुंदेलखंड में आज़ादी की लौ भी जलाई थी। राजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद उनका राज्य उनके पुत्रों में विभाजित हो गया, जिसमें पन्ना, अजयगढ़ और चक्री की रियासतें पैदा हुईं, जो 1947 में भारत में विलय हो गईं। यह है इसका नीचे का हिस्सा जो आप लोग देख सकते हैं। वैसे अगर हम जाना चाहें तो नीचे जा सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन गेट ही जब बंद किया गया है तो अभी हम नहीं जाएंगे। आप लोग ऊपर से देख सकते हैं, ये वाला जो महल है ये महाराजा छत्रसाल के जो बड़े बेटे थे उनका ये महल यहाँ पे बनवाया गया है, जो अभी भी अच्छा है। और अगर इसकी देखरेख की जाए, पुरातत्व विभाग अगर इसको देखे अच्छे से, तो ये महल भी घूमने लायक है। पर्यटकों के लिए एक अच्छी जगह है ये भी, यहाँ पे जो लोग आते हैं घूमने के लिए उनको देखने के लिए ये भी एक अच्छा महल यहाँ पे बना हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने मस्तानी महल देखा और यहाँ पे जो महाराजा छत्रसाल के बड़े बेटे थे उनके महल में अभी हम खड़े हुए हैं। और इससे पहले हम एक भाग इसका और बना चुके हैं, तो वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। काफी बड़ा ये साम्राज्य था जो महाराज छत्रसाल ने इसको बसाया था, उन्होंने इसको अपनी कर्म भूमि बनाई थी। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतिहास से जुड़ी हम ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।